नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का विषय है शरीर में पोटाशियम की कमी। मेडिकल लैंग्वेज में इसको हाइपोकैलेमिया बोला जाता है, पोटाशियम की कमी करो। पोटाशियम हमारे शरीर का एक नमक है। आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि आमतौर पे बोल दिया जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है, आपको थकावट महसूस हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, खासकर गर्मियों के दिनों में। तो ऑलमोस्ट वो आमतौर पर आपका पोटाशियम कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप ऐसी कमजोरी महसूस करते हैं। तो आज हम जिस विषय को लेकर चल रहे हैं वो है पोटाशियम। हमारे शरीर में इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 4700 मिलीग्राम अर्थात 4700 मिलीग्राम के आसपास की डेली रिक्वायरमेंट होती है। हमारे शरीर को इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। फायदे क्या हैं कि इससे ऑस्टियोपोरोसिस, अगर हमारे शरीर में पोटाशियम का संतुलन ठीक मात्रा में बना हुआ है तो ना तो हमारे शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ना डायबिटीज़ की टाइप 1 की वैरायटी, और ना ही बीपी बहुत जल्दी हमारे शरीर में आएंगे, और ना ही हमारे शरीर में जो स्ट्रोक के चांसेस अर्थात पैरालिसिस पक्षाघातों से वो भी नहीं होने के चांसेस ऐसे में कम होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग किडनी के मरीज हैं, किडनी स्टोन्स के मरीज हैं, जिनको पथरियां रहती हैं, तो पोटाशियम ऐसे में आगे पथरियों को बनने में रोकता है। तो बात आती है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर का पोटाशियम कम है, तो हम कैसे पता चलाएंगे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मसल्स डिपार्टमेंट से लेके। तो मसल्स की बात करें तो मसल्स में सबसे पहले वीकनेस होना, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, हाथों पैरों खासकर पिंडलियों में बहुत ज़्यादा पेन महसूस करना, पेन के साथ साथ बहुत ज़्यादा शरीर में क्रैम्प्स बाइंटेज जिसको बोलते हैं, शरीर में एकदम मसल्स का स्पाज्म हो जाना, क्रैम्प्स आना खासकर पिंडलियों में, इसको हिंदी भाषा में पिंडी को उद्वेशन बोलते हैं, अर्थात मांसपेशियों में एकदम क्रैम्प्स आना, और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाना, मसल्स में पेन होना, टिंगलिंग और नमनेस सुनपन महसूस होना, अलग अलग तरह की स्कींटियाँ सरन सरन इस तरह की सेंसेशन जो होती है आप नसों में महसूस कर सकते हैं। तो इसके जो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं मसल्स वाले पार्ट पे। मसल्स बहुत ज़्यादा वीक महसूस करती हैं, शरीर उठा नहीं जाता है, ऐसा लगता है जैसे शरीर को जोर लगा के उठाना पड़ रहा है, और जोर लगा के उठाने के लिए भी ज़बरदस्ती करनी पड़ी है। शरीर में नींद आती है, सुस्ती आती है बहुत ज़्यादा, जो सी है कमजोरी महसूस होती है, उठने का मन नहीं करता है। इसके अलावा कुछ लोगों को इसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी महसूस होती है, और अगर जीआई सिम्टम्स की बात करें तो खासकर वॉमिटिंग मतलब उल्टी का मन होना, पेट में एक अफारा सा महसूस होना, और पैल्पिटेशन शरीर की धड़कन का बढ़ जाना, ये वो सिम्टम्स हैं जो खासकर हमारे पोटाशियम के कम होने से। और आमतौर पे आप लोगों को देखोगे ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में आमतौर पे ऐसे मरीज बहुत ज़्यादा देखने के मिलते हैं, उल्टी आ रही है, धड़कन बढ़ी हुई है, कमजोरी महसूस हो रही है, घबराहट महसूस हो रही है, शरीर में खासकर पिंडलियों में जान सी नहीं है, और खासकर सांस लेने में भी वो थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है। तो ये सिम्टम्स आमतौर पर पोटाशियम से कम होने वाले मिलते हैं। तो हम बात करें कि कम किस वजह से होता है, तो सबसे पहली बात आती है कि जो लोग शराब पीते हैं, तो मैं सबसे पहले इन लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो लोग बहुत एक्सेस में शराब पीते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें पोटाशियम को कम करती हैं। कुछ लोग जो क्रोनिक रीनल फेलियर से ग्रसित हैं, जिनकी किडनीज काम नहीं कर रही हैं, या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का मतलब है कीटोन बॉडीज हमारे शरीर में से यूरिन में से निकलनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। दस्त की प्रॉब्लम, दस्त में ऐसी दिक्कत आ जाती है, जब दस्त होता है तो शरीर में से शरीर का पानी बहुत अधिक मात्रा में निकल जाता है, तो ऐसे में पानी के साथ साथ शरीर में से हमारे सॉल्ट खासकर पोटाशियम भी निकल जाता है। उल्टी आने पर अगर बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है, किसी भी तरह के सिक्रीशन, बहुत ज़्यादा जुकाम चल रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा इस तरह के सिक्रीशन हमारे शरीर से निकलेंगे तो पोटाशियम कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोग हैं जो बीपी या हार्ट फेलियर की दवाई ले रहे हैं, जिसमें पेशाब ज़्यादा आने की दवाई दिया जाती है, जिनको डायुरेटिक बोला जाता है, ऐसे डायुरेटिक के केसेस में भी खासकर पोटाशियम हमारे शरीर से निकलकर कम हो जाता है। कुछ लोग लेग्जेटिव लेते हैं, लेग्जेटिव मतलब जिनको कब्ज़ बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से चल रही है, तो ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा स्टूल लग जाते हैं, दस्त बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो और कुछ लेग्जेटिव की नेचर भी ऐसी होती है जिसकी वजह से शरीर में पोटाशियम कम हो जाता है। तीसरा, अगर आपके शरीर में फोलिक एसिड भी कम है और मैग्नीशियम भी कम है, अगर ये दोनों ही आपके शरीर में कम है तो भी आपका शरीर का पोटाशियम का लॉस बार बार होता रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है, गर्मी में आप निकल रहे हैं, इस समय गर्मी का सीजन है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्मी में अगर आप निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है आपको, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग से भी हमारा पसीना आकर भी हमारा पोटाशियम लॉस हो जाता है। और फिर एक बीमारी प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, और कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे अमोक्सिसिलिन है, ये कुछ एंटीबायोटिक्स ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स ये आपके डॉक्टर भलीभांति जानते हैं, अगर वो दिए जा रहे हैं तो भी आपके शरीर का पोटाशियम डिप्लीशन अर्थात पोटाशियम के लेवल कम हो सकते हैं। तो ये मैंने उन कारणों की बात की जिनकी वजह से हमारे शरीर में पोटाशियम कम हो सकता है। अब बात करते हैं
कि ऐसी क्या चीजें खाएं जिससे हमारे शरीर का पोटेशियम बढ़ जाए। यहां मैं बात करना चाहूंगा सभी तरह के फ्रूट्स, खासकर केला, संतरा, खरबूजा, तरबूजा। केला भी, आप केले में बहुत अच्छा पोटेशियम होता है, संतरे में बहुत अच्छा पोटेशियम होता है, खरबूजा आमतौर पर सीजनल है, मिल जाता है, और खासकर तरबूज और तरबूज के बीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, खुरबानी, चकोतरा, सूखे फल जैसे आलू बुखारा है, किशमिश है, छुहारा है या सूखा खजूर बोल सकते हो, अंजीर बोल सकते हो, पकाई हुई पालक जो सी है, या साग जो सा पत्तेदार साग है, और पकाई हुई ब्रोकोली, ब्रोकोली आजकल मिल जाती है अपने इंडिया में बड़े आराम से, तो पकाई हुई ब्रोकोली होगी। आलू में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, शक्करकंदी में बहुत ज़्यादा पोटेशियम है, मशरूम, मशरूम आराम तौर पर आजकल सीजन में मिल जाता है, मटर है, खीरा, ककड़ी, तोरी, बैंगन, ये सब चीज़ें होगी, पेठा हो गया, टमाटर, नारियल और नारियल का पानी, ये नारियल की इवन पानी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें पोटाशियम प्रचुर मात्रा में होता है। हम आमतौर पर मरीजों को रिकमेंड करते हैं कि वो नारियल पानी जरूर पिए। अगर नारियल पानी, इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो खासकर जो मरीज शुगर से या डायबिटीज से पीड़ित हैं, ऐसे लोग अंजीर ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, पकाई हुई ब्रोकोली ले सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, तोरी ले सकते हैं, बैंगन ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, नारियल, नारियल का पानी ले सकते हैं, और तरबूज के बीज का भी सेवन कर सकते हैं। पेठा भी एक अपने आप में सोर्स है, पेठे में भी पोटाशियम होता है जिसको आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कौन से जूस पिए जिनसे पोटाशियम बढ़ जाए। अब कई लोगों के पास टाइम नहीं होता, ऐसे लोगों को संतरे का जूस बहुत इंपॉर्टेंट है, संतरा, कीनू, मौसमी, इनका जूस बहुत अच्छा है। सेकेंड नंबर पर बात करें फालसा, एक सीजनल फल है फालसा, आमतौर पर आप फालसे का जूस पी सकते हैं, टमाटर का जूस, आलू बुखारे का जूस, खुरबानी का जूस, बलूत या चकोतरे का जूस, ये बहुत अच्छे जूस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन के अंदर। इनमें बात करें फालसे का जूस और आलू बुखारे का जूस या खुरबानी का जूस, ये शुगर के पेशेंट्स भी ले सकते हैं, बलूत का जूस ये भी आमतौर पर लिया जा सकता है। अगर पेशेंट की शुगर लेवल नॉर्मल है और वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है तो कुछ बात हद तक आप संतरे, कीनू या इनके जूसेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नारियल पानी हर हालत में हर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है। अब बात आती है कुछ लोग फिश जो समुद्री इलाकों में रहते हैं उनके लिए, खासकर सैल्मन, रॉक फिश, ट्रॉट और कॉड फिश, हैलीबट और टूना फिश, ये वो फिशेज हैं जो बहुत ही अच्छी रहती हैं पोटेशियम के लेवल को बढ़ाने के लिए। फिर आता है कि अब लोग पूछते हैं कि सर क्या दालों में पोटेशियम होता है। बिल्कुल सर, दालों में बहुत सारा पोटेशियम होता है, खासकर हम राजमा, लोबिया और सोयाबीन या अन्य प्रकार की दालें बात करें तो इनमें बहुत अच्छा खासा पोटेशियम होता है। इसके अलावा हरे हरी फलियां या जिसको सेम फली बोलते हैं, उनमें भी बहुत अच्छा पोटेशियम का सोर्स होता है। तो मैंने आपको बताया कौन से जूस हैं, कौन से फ्रूट्स हैं, कौन से सब्जियां हैं, कौन सी फिश है जिनमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। अब मैं बताना चाहूंगा ऐसी और कौन सी चीजें, जैसे गुड़ है, मेवे हैं, सूखे मेवे जितने हैं, चाहे वो बादाम है, चाहे वो अखरोट है, इनमें भी कुछ हद तक होते हैं पोटेशियम, और मांस, मुर्गा, इवन दूध में भी है या दूध से बने पदार्थों में भी कुछ हद तक पोटेशियम पाया जाता है। और अगर बात की जाए ब्राउन या जंगली चावल जिनको बोला जाता है उनमें, और चोकर युक्त आटा, इसमें भी पोटेशियम की मात्रा होती है, और खासकर होल व्हीट ब्रेड या पास्ता, इनमें भी जो है पोटेशियम की मात्रा काफ़ी हद तक मानी गई है इन चीज़ों में भी। तो अभी मैं बात कर रहा था कि डायबिटिक्स में, डायबिटीज जो हैं वो हरे फली या सेम की फली, राजमा, लोबिया, सोयाबीन, दालें, इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं अपने पोटेशियम लेवल को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा गुड़ कुछ हद तक डायबिटीज़ में दिया जा सकता है, और जहाँ तक बात है दूध है, ब्राउन ब्रेड, खासकर ब्राउन में जंगली चावल हैं, चोकर है, होल व्हीट ब्रेड है, पास्ता है, ये भी हमारे जो शुगर के मरीज हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ जगह पे नमक के सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी पोटेशियम का यूज़ किया जाता है। आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके ऊपर ये चीज़ लिखी होती है, उसको देख कर पढ़ कर आप उसको ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने बात की पोटाशियम बढ़ाने वाले पदार्थों की। तो मैं आप लोगों को अब इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पोटाशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलिमेंट है हमारी बॉडी के अंदर। अगर ये कम हो जाता है तो मैंने आपको लक्षणों की बात बताई, क्या क्या लक्षण होते हैं, और ये बड़े कॉमन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सबको लाभ होगा। धन्यवाद।